मैं रजाक और कायनात से होते हुए आपकी तरफ आता हूं। कायनात, क्या किया जाए अगर ऐसा कोई प्लेयर है जो इतने रन करता है, उन लोगों के साथ खेल रहा है जो टीम में खेलते आए हैं, उनसे ज्यादा रन कर रहा है, तो व्हाट्स द राइट थिंग टू डू? आई थिंक के चांस देना चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि आपने सीनियर प्लेयर्स के होते हुए ही जूनियर्स को ग्रूम करना है, क्योंकि वो उनके अंडर सुपरविजन में खेलेंगे तो ही परफॉर्म करेंगे। हो सकता है कि उनको पूरी सीरीज ना दे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें खिला के 2 मैच 3 मैच देकर, सो दैट दे गेट रेडी, क्योंकि जब उन्हें अकेले खेलना हो उस प्लेटफॉर्म पे, सो दे आर ऑलरेडी रेडी टू हैंडल ऑल द प्रेशर अलोन। तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से 1-2 प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि जो फॉर्म होती है उसको उसी टाइम यूटिलाइज किया जाए पाकिस्तान के लिए तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब्दुल रजाक अब तो जूनियर भी नहीं रहे, साजिद ज़फ़रान 4-5 साल से नॉक कर रहे हैं और नाम भी आया इनका, कंसिडरेशन में भी रहे, लेकिन टीम में आकर भी बाहर चले जाते हैं। देखिए दानिश, सीधी बात है, 2019 में या 2020 में जब ये T20 शुरू हुई, जो एक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज हुआ था, तो उस वक्त जो चीफ सिलेक्टर थे तो उन्होंने उनके प्लान के मुताबिक साजिद ज़फ़रान T20 में एडजस्ट नहीं होते थे, तो रिजवान को प्रमोट किया गया और उसके बाद फिर साजिद ज़फ़रान पे ये टैग लग गया कि ये T20 नहीं खेल सकते। पर उसके बाद मैं समझता हूँ पिछले साल के बाद उन्होंने जो इम्प्रूवमेंट की है साजिद ज़फ़रान ने, और मुझे बड़ा इम्प्रेस किया इसने, क्योंकि ये होती है असल बैटिंग। और बाबर को सीखना चाहिए कि जब आपका 50-60 अपना हो जाता है तो उसके बाद जो आखिरी ओवर होते हैं उसमें आपको ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खड़े होकर छक्का मार सके। तो साजिद ज़फ़रान ने शो करके दिखा दिया है कि उसकी फिटनेस लेवल चेक कर लें, पहले ओवर से लेकर 20 ओवर तक उसकी फिटनेस लेवल बहुत अच्छी थी, और जिस तरह की उसने आखिरी ओवर में हिटिंग की है, सेंसिबल हिटिंग की है, अगर ये चीज बाबर आजम में डेवलप कर लेते हैं तो बाबर आजम इससे भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। भट्टी साहब, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। पिछले दिनों भी अब्दुल रजाक कह रहे थे कि अब आप उसी तरह से फैसले करते रहे जिस तरह से आप पिछले 4-5 सालों में करते आए हैं, नाम बड़े हो रहे हैं लेकिन टीम जीत नहीं पा रही है, तो ये प्रॉब्लम है। सॉल्यूशंस आपके सामने हैं साहिबज़ादा फरहान जैसे लोग जो परफॉर्म करते आ रहे हैं। देखिए दानिश, हमने अभी न्यूजीलैंड में जो साहिबज़ादा फरहान को खिलाया, हमने मिडिल ऑर्डर में खिलाया, बेसिकली डोमेस्टिक में हमने देखा है वो ज्यादातर इनिंग्स ओपन करते हैं जी। तो अब पहले तो हमें ये तय करना है कि अच्छा पॉइंट है ये, बहुत अच्छा, उन्हें खिलाना किस पोजीशन पर है। फिर अभी एक और जो पाकिस्तान टीम में सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि मोहम्मद हफीज अब पाकिस्तान टीम के डायरेक्टर नहीं है, नए डायरेक्टर की तलाश है, अप्रैल में न्यूजीलैंड की टीम आ रही है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम में जब नए हेड कोच आएंगे और मोहसिन नकवी साहब भी अब एक आध दिन बाद फिर फुल फ्लेज PCB में आ जाएंगे, मेरे ख्याल में जो न्यूजीलैंड के मेन प्लेयर्स तो IPL में होंगे, वो भी अपने दूसरे दर्जे की टीम भेजेगी। ये वो मौका है जब हम अपने मेन प्लेयर्स को आराम दें या मेन प्लेयर्स को थोड़ा शफल करके साहिबज़ादा फरहान टाइप के प्लेयर्स जो हैं उनको ट्राई करें कि इनमें कितना स्पार्क है। ये हमारा T20 वर्ल्ड कप का साल है, अब T20 वर्ल्ड कप में तकरीबन 4 महीने रह गए, तो इन 4 महीनों में जो हमने अपनी लड़कों की पोजीशंस देखनी है या जिन लड़कों को हमने आगे लेके जाना है, लेकिन ये बड़ा क्रूशियल टाइम है। ये देखें, हफीज़ जाते जाते जितना बड़ा पिंडोराज बॉक्स खोल के चले गए हैं फिटनेस के हवाले से, आपको याद होगा मैंने, आपने, रजाक ने, सिक्कू भाई ने जो इंटरव्यू किया था वहाब रियाज का, हफीज़ ने उससे भी बढ़ के बात की है कि पिछले 6 महीने से पाकिस्तान टीम की फिटनेस पॉलिसी ही खत्म हो गई है, खत्म हो गई, बिल्कुल ऐसा ही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है, ज़रा उस पर भी ये जो रिपोर्ट्स सबमिट होंगी, मैनेजर की रिपोर्ट सबमिट होगी, हफीज़ की रिपोर्ट सबमिट होगी, तो मोहसिन नकवी साहब बिल्कुल अपनी टीम लेकर आए, लेकिन माजी में जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब करके गए उन पे भी नजर रखें कि ये क्यों हुआ, अगर हुआ है तो उनके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना चाहिए। या आपने भी अपने करियर में लातादाद ऐसे केसेस देखे होंगे कि प्लेयर्स नॉक कर करके थक गए, दरवाज़ा टूटने वाला हो गया था लेकिन फिर भी उनके लिए दरवाज़ा खुला नहीं, वो टीम में आए भी, उनको कमरे के अंदर लिया भी तो बस सलाम दुआ करके वापस भेज दिया सरसरी। साजिद फरहान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता आया है, नाम आया उनका मैचेस में हमें नज़र भी आए, फिर अगैन फेल हुए तो फौरन गायब कर दिए गए, क्या ऐसा ही होता रहेगा इनके साथ? देखिए दानिश, आप शो करते रहेंगे, बात होती रहेगी, लेकिन जिसको खिलाना है उसको खिलाएंगे, जिसको नहीं खिलाना, चाहे वो फवाद आलम की तरह 10 साल तक भेड़िया रगड़ ले, बस के अंबार लगा ले, ये होता रहेगा। साहबज़ादा फरहान जो है वो इस वक्त 27 साल के हैं, अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं,
लेकिन आजकल की क्रिकेट जो है वो एक फुल पैकेज क्रिकेट है। साफ ज्यादा फरहान विकेट कीपिंग कर सकते हैं लेकिन वो विकेट कीपिंग में इतने जो है वो एनर्जेटिक दिखाई दे नहीं रहे। अगर इतने अच्छे होते तो फिर शायद होप शायद कल उनकी जगह लाहौर कलंदर से विकेट कीपिंग कर नहीं रहे होते। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं कि साफ ज्यादा फरहान को आप कहाँ खिलाएंगे, तो बात दरअसल ये है कि पिछले सीजन में और उससे पिछले सीजन में पाकिस्तान सुपर लीग में रन की अंबार लगाने वाले फखर जमान इनिंग का आगाज करते रहे हैं लेकिन जब टी ट्वेंटी क्रिकेट की बारी आती है तो उनको नंबर वन तो छोड़िए, नंबर दो तो छोड़िए, नंबर तीन तो छोड़िए, नंबर चार के ऊपर आकर बैटिंग करनी पड़ रही है। तो एक खिलाड़ी जो अपना पोटेंशियल जिस लेवल पर शो करता है उसको वहां पर वो खेलने का मौका मयसर नहीं आता। फखर जमान को कुछ बताने की जरूरत नहीं है जो उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में करके दिखा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उनके लिए वो स्लॉट ओपन नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है, आज इस वक्त क्वेटा ग्लैडिएटर और मुल्तान सुल्तान का मैच चल रहा है, फौजा नाफे ने 150 किए हैं, अपने उनको आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर बैठा दिया है, आज उनके लिए मेक और ब्रेक वाला मैच है। आपके पास साय मयूब पेशावर जर्मी से एक सीजन खेले, नो लुक शॉट उनका बड़ा मशहूर हुआ, लेकिन बांग्लादेश प्रीमियर लीग, न्यूजीलैंड का दौरा और आप पाकिस्तान सुपर लीग, ऐसा लग रहा है कि वो बल्लेबाजी करना ही भूल गए। तो हमारे जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करना चाहिए, एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है सीना चौड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है दानिश, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये कि जो दुनिया की टीम है इस वक्त जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो वनडे क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो टी ट्वेंटी क्रिकेट खेल रही है, उन्होंने अपने और क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखा हुआ है और उनको बहुत करीने के साथ, बहुत तरीके के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको हर लीग में जो है वो नहीं झोंक रहे, हर लीग में खेलने के लिए नहीं भेज रहे, और या जो उनके अपने प्लेयर हैं उनको उन्होंने लाइन ड्रॉ की भी है कि आप यहाँ खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, ना सिर्फ लीग्स को लेके बल्कि नेशनल ड्यूटीज को लेकर भी। एक लड़का तमाम फॉर्मेट्स नहीं खेल रहा है, अगर ज्यादा क्रिकेट खेल रहा है तो उसको थोड़े अरसे बाद रेस्ट दिया जा रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट तलाश की जा रही है, उसको बनाया जा रहा है और दोनों को साथ लेकर चला जा रहा है। एक और चीज ऐड कर दूं, ब्रेक लेके वापस आ जाऊं, मैं इसी मौजू पे करना चाह रहा हूं कि देखिए इस पे हमारे रिजवान का स्टेटमेंट जो आया था कि आप जो है जोड़ियां तोड़ देते हैं, ये भी तो गलत है। बिल्कुल, मतलब आप कह रहे हैं कि उसको कहां खिलाएं। मैं ब्रेक से आके इसी बारे में बात कर रहा हूं कि